डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अभी प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 37 में इन तत्वों को लागू होना दर्शाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, भारतीय नागरिकों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना इनका उद्देश्य है। अनुच्छेद 39 में राज्य का एक कर्तव्य है कि वह सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन प्रदान करे और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान भी दिए गए हैं। नंबर 1 है राज्य सभी को सम्मान न्याय उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। नंबर 2 है राज्य सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं प्रबंधन इस प्रकार से करे कि वह सामाजिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। और नंबर 3 है राज्य को निर्देशित करता है कि वह धन के सम्मान वितरण का प्रावधान करे जिससे समाजवादी संकल्पना को बल मिले। अनुच्छेद 40 इसके अंतर्गत राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। आर्टिकल 41 इसके अंतर्गत राज्य का दायित्व है कि वह कुछ आदर्शों या कुछ दशाओं में नागरिकों को काम, शिक्षा और जन सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 42 और 43 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य कामगारों को निर्वाह मजदूरी, काम की मनोवांछित दशाएं, प्रसूति सहायता प्रदान करे और जीवन स्तर अथवा अवकाश के पूर्ण उपयोग का सामाजिक अवसर उपलब्ध कराए। थैंक यू।